हेलो एवरीवन, लास्ट टॉपिक में हमने कोशिका के अंग की शुरुआत करी थी, जिसमें हमने पहला जो अंग पढ़ा वो था माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे कोशिका के अंग में, और आज जो हम दूसरा उसका अंग देखने वाले हैं वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम की अगर हम बात करें, आपको पता है, मैंने बताया है आपको वीडियो में कि कोशिका अकेले कुछ काम नहीं कर सकती है, वो अपने अलग अलग अंगों के साथ मिलकर पूरे काम को करती है। जैसे कि उसका जो केंद्र होता है वो पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है, फिर आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा जो ऊर्जा पैदा करता है, ऐसे लाइसोसोम है। लाइसोसोम बेसिकली एक प्रकार का पैकेट है, 24 जो एंजाइम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, 24 प्रकार के एंजाइम का पैकेट है ये। एंजाइम बेसिकली छोटे छोटे जीव होते हैं जो किसी भी प्रकार के केमिकल या किसी भी प्रकार के अवांछित पदार्थ को पूरी तरीके से तोड़ फोड़ के उसको नष्ट करने का काम करते हैं। तो बेसिकली लाइसोसोम देखा जाए तो 24 प्रकार के एंजाइमों का पैकेट है। शरीर में यदि कोई भी अवांछित तत्व प्रवेश करता है तो उसको पूरी तरीके से डिएक्टिव करने का काम ये एंजाइम करता है, उसको खत्म करता है ये, उस अवांछित तत्व को या पदार्थ को। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले, कभी कभी हमारे मुंह में मच्छर चला जाता है और मच्छर चला जाने के बाद उसका काम अपने आप ही हो जाता है, उससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, अपने आप उसका पाचन हो जाता है। ये एंजाइम ही क्या करते हैं, उसको पूरी तरीके से तोड़ फोड़ के पूरी तरीके से उसको डीएक्टिव कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइसोसोम किसी भी अवांछित कोशिका या केमिकल या किसी भी तत्व को डीएक्टिव करने का काम करता है, डीएक्टिव या नष्ट करने का काम करता है। एक और बात हमको ये देखने को मिलती है कि जब कभी कोई कोशिका दूसरी कोशिका आती है जो हमारे लिए हानिकारक होती है तो ये उसको नष्ट करता है, लेकिन कभी कभी वो हानिकारक कोशिका एक हेल्दी कोशिका को अपने आगे कर लेती है, जिसके कारण लाइसोसोम को पता नहीं चल पाता है कि ये यूजफुल कोशिका है या फिर नॉट यूजफुल कोशिका है, मतलब हेल्दी कोशिका है या फिर अनहेल्दी कोशिका है। तो ये कभी कभी हेल्दी कोशिका पे भी भक्षण करने लगता है, जिस कारण इस लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली क्या होती है, किसके कहते हैं, और इसकी खोज डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने करी, कभी कभी पूछा जाता है। तो लाइसोसोम को आप ऐसे समझें कि ये एक प्रकार के 24 प्रकार के एंजाइम का पैकेट होता है, और इसका काम होता है अनहेल्दी या हेल्दी कोशिका को का भक्षण करना, सीधा सीधा आपका मतलब है, लेकिन ये कभी कभी हेल्दी कोशिका का भी भक्षण करने लगती है, इसलिए हम इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, अगला अंग। तो लाइसोसोम के बाद आता है गोल्जी काय। आपको पता है कि जिस प्रकार हमारे रक्त में से हानिकारक पदार्थ को छानने का काम किडनी करती है, ऐसे ही कोशिका में यदि कोई अवांछित पदार्थ है तो उसको कोशिका से बाहर भेजने का काम गोल्जी काय का करता है, गोल्जी काय का होता है। इसका काम होता है अवांछित पदार्थ को कोशिका से बाहर फेंकना या बाहर भेजना, लेकिन इसका काम होता है उस पदार्थ को पूरी तरीके से नष्ट करना। अवांछित पदार्थों को कोशिका से बाहर भेजना का काम होता है इसका, कोशिका से बाहर भेजना। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्म होता है, वो पतली पतली नलिका के रूप में होता है, पतली पतली नलिका या ट्यूब के रूप में होता है, ऐसे ही ट्यूब के रूप में होती हैं, जालेदार, और एक गुच्छे गुच्छे का निर्माण करती है। तो एक गुच्छे के रूप में रहती है, गुच्छे के रूप में ये रहती है। और काम आपको पता चल गया कि जो भी हानिकारक या अवांछित पदार्थ है उसको कोशिका से बाहर भेजना। जैसे कि आपकी कोशिका है और यहाँ पर ये लिक्विड भरा हुआ है और ये इसका केंद्र है, केंद्र में कुछ लिक्विड है, और यही इस बाहर वाले भाग में कुछ अलग अलग अंग देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर गोल्जी काय तो इस अवांछित पदार्थ को बाहर पहुंचाएगी, और साथ ही साथ भविष्य में उपयोग होने वाले प्रोटीन, वसा,
आदि का ये संचय करके भी रखती है ताकि भविष्य में अगर उनका उपयोग हो तो कोशिका के विभिन्न अंगों तक उनको पहुंचा दे। तो इतनी बात आपने देखी और इसकी खोज पूछी जाती है तो इसकी खोज गोलजी ने करी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिका के अलग अलग अंगों को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।